Hello everyone, welcome to your online classes. In today's class, I am going to explain class 1st subject English, unit 1. आज के इस क्लास में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये है क्लास 1st का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका ये यूनिट 1 है. दिस इज़ अ पोएम. ये एक पोएम है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ अ हैप्पी चाइल्ड. हैप्पी मीन्स होता है खुश रहना, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो एक गर्ल है जो कि छोटी बच्ची है, तो इसलिए यहाँ पर चाइल्ड यूज़ किया गया है इस गर्ल के लिए. So here in this poem we are going to learn about the child who is happy. इस poem में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्ची जो है वो खुश रहती है. So here enjoy this poem. My house is red, a little house. मेरा हाउस क्या है? रेड है. रेड का मतलब होता है, ये कलर बता रहा है कि मेरे हाउस का कलर है वो है रेड, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो. ये पिक्चर है, ये इस गर्ल का हाउस है जो कि रेड कलर है. रेड मीन्स होता है लाल. अ लिटिल हाउस, लिटिल मीन्स होता है छोटा सा हाउस, ठीक है, छोटा सा घर. हाउस मीन्स होता है घर, लिटिल मीन्स होता है छोटा सा. ओके, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, मतलब मैं बहुत ही खुश मिजाज बच्ची हूँ. मीन्स यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, मेरा घर है जो कि रेड कलर का है, मीन्स लाल कलर का है, वो भी एक छोटा सा घर है, फिर भी मैं क्या रहती हूँ, खुश रहती हूँ. ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन वो खुश नहीं रहते, उतने में भी उन्हें खुशी नहीं होती. लेकिन यहाँ पे जो बच्ची है, जो छोटी सी बच्ची है जो झूला झूल रही है, उसे क्या है कि उसका घर छोटा है, रेड कलर का है और वो बहुत खुश है. I laugh and play the whole day long. मैं laugh means क्या होता है, हंसना, खिलखिला के. जब बच्चे हंसते हैं ना, बच्चे या कोई भी हंसता है तो ठीक है, laugh means होता है खिलखिला के हंसना. And play means होता है खेलना. Whole day का मतलब होता है पूरे दिन. यहाँ पे long है मतलब पूरे दिन, जितने भी लंबे दिन होते हैं उस पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, हंसती हूँ और खेलती हूँ. I hardly ever cry. I hardly ever cry means, hardly means होता है मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं रोती हूँ. cry, 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 cry means होता है रोना. तो बहुत ही कम ही ऐसा होता होगा जबकि मैं रोती हूँ. I have a tree. मेरे पास, मेरे यहाँ एक tree है. यहाँ पर आप देख सकते हो ये tree है, उसका ये red house है, ठीक है, उसका ये घर है और उसके पास क्या है, एक ट्री है. अ ग्रीन, ग्रीन ट्री. ग्रीन मीन्स होता है हरा. और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेड़ क्या है, ये जो ट्री है वो क्या है, हरा भरा है, मीन्स पूरा ग्रीन है. जो ये पेड़ है, जो ये ट्री है वो क्या है, ग्रीन है, हरा भरा है, जो कि क्या करता है, टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि मुझे छांव देता है. शेड मीन्स होता है छांव देना, ठीक है. तो जो पेड़ पे पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, तो उससे क्या होता है, सन आप तक नहीं पहुंच पाता है अगर आप वहां पर खड़े होते हो तो, ठीक है. तो पेड़ के नीचे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर छांव में जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो. ओके, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन. जब मैं खेल लेती हूँ तो मैं कहाँ पर बैठती हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठती हूँ. ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, इसके नीचे मैं बैठ जाती हूँ. बिकॉज क्या है कि ये क्या देता है, शेड देता है, छांव देता है, ठीक है. तो ये जो गर्ल है वो पूरे दिन क्या करती है, खेलती है, हंसती रहती है, और जब वो खेल लेती है तो क्या करती है, इस ट्री के नीचे बैठ जाती है और छांव में बैठकर आराम करती है, रिलैक्स करती है. ओके, सो ये था आपका एक छोटा सा पोयम. नाउ लेट्स सी सम एक्टिविटी रिलेटेड टू इट. कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, वो हम देखेंगे इससे रिलेटेड. हियर न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स मीन्स होते हैं कुछ नए शब्द जो कि आपने इस पोयम में सीखे हैं. तो कौन से वर्ड्स आपने सीखे हैं जो नए नए थे इस पोयम में? क्राई, क्राई मीन्स रोना. डे, डे मीन्स पूरा दिन, जो दिन होता है उसको हम डे बोलते हैं. रेड, रेड का कलर यहाँ पर दिखा रहा है तो रेड मीन्स होता है लाल कलर. सन, सन मीन्स होता है सूरज. सो ये जो वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर सीखे हैं, न्यू वर्ड्स सीखे हैं ना, तो ये सारे वर्ड्स आपने
इस लेसन से सीखे हैं। लेट्स रीड, चलिए कुछ रीड करते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई, आई हैव अ रेड पेन। ट्राई टू रीड इट, इसको रीड करने की कोशिश करिएगा। टी एच ई द एस यू एन सन, एस एच आई एन ई एस शाइन्स इन द स्काई, आई हैव अ रेड पेन। लेट्स मूव फर्दर, कुछ और भी एक्टिविटी देखते हैं। रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स, आपको यहाँ पर रीड करना है और मैच करना है पिक्चर्स को, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ओके, यहाँ पर क्या दिया है बॉय, यहाँ क्या दिया है गर्ल, सो आपको ये जो पिक्चर है इससे आपको मैच करना है। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट लाइन आई एम अ बॉय, शी, जो ये लड़का है, जो ये बॉय है वो कह रहा है आई एम अ बॉय, और यहाँ जो गर्ल है वो कह रही है आई एम अ गर्ल। तो क्या करना है अभी आपको, बॉय को बॉय से मैच करना है, गर्ल को गर्ल से मैच करना है। यू हैव टू पिक अ पेंसिल, पेंसिल आपको लेनी है, देन यहाँ से यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है लाइन, देन ये गर्ल से आपको इस यहाँ पर गर्ल में मैच कर देना है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट, फन विद कलर्स, अब यहाँ पर कुछ कलर्स से हम लोग फन करने वाले हैं, ओके। जो पोयम में आपने देखा है कलर्स के बारे में सीखा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिल इन द बॉक्स विद द राइट कलर, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको कलर फिल करना है, ओके। कलर के नेम नहीं राइट करने हैं, यू हैव टू फिल द कलर्स, आपको यहाँ पर नेम राइट नहीं करना है, आपको कलर फिल करना है। सो फर्स्ट क्या है, वॉट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड हाउस, जो हैप्पी चाइल्ड है उसका जो घर है, छोटा सा घर है ना लिटिल हाउस, तो वो कौन से कलर का है, रेड कलर। सो यहाँ पर आप कौन सा कलर फिल करेंगे, रेड कलर फिल करेंगे। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हाउस, आपके घर का कौन सा कलर है, मेरे हाउस का कलर तो येलो है, सो मैं यहाँ पर येलो कलर फिल करूंगी। आपके घर का अगर कलर ग्रीन है और रेड है या फिर ब्राउन है तो आप वो यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री, जो ट्री है आपने पोयम में देखा उसमें उसका कलर क्या है, ग्रीन, सो यू विल फिल हियर ग्रीन, आप यहाँ पर कौन सा कलर फिल करेंगे, ग्रीन कलर। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सन, जो सन होता है हमारा वो कौन से कलर का होता है, येलो, ऑब्वियसली येलो, तो आप यहाँ पर येलो कलर फिल करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी फर्दर, और भी हम लोग देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। लेट्स टॉक, यहाँ पर हमें बातें करनी है, सो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता रही हूँ, फिर आप भी मुझे अपनी सारी चीजें बताइएगा। इज देयर अ ट्री ग्रोइंग नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा ट्री है जो ग्रो कर रहा है, मीन्स कोई पेड़ है जो कि बड़ा हो रहा है। टेल अस अबाउट द ट्री, अपने ट्री के बारे में आपको बताना है, इज इट बिग और स्मॉल। सो मेरे घर के पास एक ट्री है जो कि ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अभी वो फिलहाल स्मॉल है, छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इज इट बिग और स्मॉल, तो मेरे घर के पास जो ट्री है वो अभी स्मॉल है, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या डू यू लाइक द ट्री, क्या आपको ट्री पसंद है। यस मुझे तो पसंद है, आई लाइक ट्रीज, अगर आपको भी पसंद है तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ट्री पसंद है या नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, जो ट्री है आपके घर के पास, ठीक है, जो ग्रो हो रहा है उसका नेम क्या है। तो जो मेरे घर के पास ट्री है वो जो ग्रो हो रहा है उसका नेम है नीम, ठीक है, वो जो ट्री है उसका नाम है नीम। नेक्स्ट, लेट शेयर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेस, बहुत तरह के हाउसेस होते हैं, राइट, सर्कल दी वंस यू हैव सीन, आपको यहाँ पर सर्कल करना है जो कि आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, तो इस पे आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो जो पिक्चर आपने देखी होगी जिस तरह की, जैसे कि अगर आपने हट देखा है तो ही आप इसको सर्कल करेंगे, अगर आपने ईग्लू देखा है तो करेंगे, फ्लैट देखा है तो इसको सर्कल करेंगे, बंगलो देखा है तो इसको सर्कल करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पर बंगलो देखा है, फ्लैट देखा है और हट देखा है, मैं इसे सर्कल करूंगी हट को, देन फ्लैट को, और यहाँ जो बंगलो है इसे भी, और ईग्लू मैंने पिक्चर्स में देखे हैं सो मैं इसको भी सर्कल कर सकती हूँ, राइट। आपने भी देखा होगा,
फ़ोन में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या फिर अपने बुक में देखा होगा। तो अगर आपने ईग्लू देखा है ऐसे भी, तो आप यहाँ पर सर्कल कर सकते हैं। सो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये जो हट है ये कहाँ देखने को मिलता है आपको ज़्यादातर? विलेजेस में। विलेजेस, विलेज मीन्स क्या होता है? गाँव, ठीक है। फ्लैट आपको सिटीज़ में देखने को मिलेंगे, बंगलो भी आपको सिटीज़ में देखने को मिलेंगे और गांव में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ, ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट इट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है अपने घर का और उसके बाद इसके बारे में आपको बताना है। मीन्स कितने आपके बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम हैं, कितने रूम किचन है और लिविंग रूम है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ओके तो आप यहाँ पर ड्रॉ करिएगा पिक्चर और बताइएगा। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता है, सैड या हैप्पी? क्योंकि ये जो पोयम था आपका ये क्या था, अ हैप्पी चाइल्ड, जो चाइल्ड थी वो हैप्पी थी उसके बारे में था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम हैप्पी फील करते हैं या सैड फील करते हैं। हैप्पी में कैसा फेस होता है, ऐसा होता है, और सैड में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स कुछ बने हुए हैं आपको इसे कंप्लीट भी करने हैं। सो फर्स्ट है आपका व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, अगर आपको न्यू ड्रेस मिलता है तो आप कैसा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो या सैड फील करते हो? तो मैं तो हैप्पी फील करती हूँ। तो यहाँ पे आईज बनी हुई है, सिर्फ आपको फेस इसका कंप्लीट करना है बनाकर। तो आप ऐसे यहाँ पर बना सकते हो, मेरा बहुत क्लियर नहीं बन रहा है बट हाँ आप पेंसिल से बहुत अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हो, सैड हो जाते हो। ऑब्वियसली चोट लगेगी तो कौन सैड नहीं होगा, मैं तो सैड हो जाती हूँ। नेक्स्ट है व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपने थिंग्स को शेयर करते हो तो आप कैसा फील करते हो? मीन्स किसी को अगर पेंसिल की नीड है और आपने उसको पेंसिल दे दिया तो आपको कैसा फील होता है, हैप्पी फील होता है या सैड फील होता है? मुझे तो हैप्पी फील होता है, मैं हैप्पी फील करती हूँ। तो यहाँ पर आप पूरा स्पेलिंग राइट करिएगा HAPPY, हैप्पी, और यहाँ पर इसका फेस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो कैसा फील करते हो? मैं तो सैड फील करती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी इल, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पर मैं सैड राइट करूँगी। तो आप इसको कंप्लीट करिएगा SAD सैड और इसका फेस कंप्लीट कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द हाउस टू द पीपल हु लिव इन योर होम। मीन्स आपका जो छोटा सा रेड कलर का हाउस है, अगर आपका भी रेड है तो, या फिर ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, जो भी कलर का हाउस है, यहाँ पर एक होम बना हुआ है। इसमें क्या करना है, मैच करना है इन लोगों को, जैसे कि मेरे घर में कौन कौन रहता है, मेरे ग्रैंड फादर रहते हैं, मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं, माई फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर भी रहती है और मेरे ब्रदर भी रहते हैं। तो मैंने सब पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर आपके घर में सिर्फ फादर, मदर या सिस्टर रहती हैं तो आप सिर्फ 3 को करोगे, अगर आपके यहाँ ब्रदर भी है तो आप ब्रदर को भी करोगे, ग्रैंड फादर भी हैं तो सबको करेंगे, ठीक है। तो जो जो लोग आपके घर में रहते हैं इनमें से आप उनको क्या करेंगे, मैच करेंगे इस होम से। ओके नेक्स्ट, ट्रेस द नंबर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है, आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 है तो ये जो डॉट 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 दिया है उस पर आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। देखो जैसे मैंने किया वैसे नहीं करना, आप अच्छे से लाइन ड्रॉ करना, मेरा लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है बट आप करिएगा, पेंसिल से जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से होगा ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छे से करना, एकदम डॉट पे ही होना चाहिए लाइन। ओके डॉट के साइड नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है। यू हैव अ इरेजर, आपके पास इरेजर है, आप इरेजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपका 6 तक का नंबर, इसे आपको लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस, कितने लोग आपके घर में रहते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, राइट हियर, ये जो ब्लैंक दिया है यहाँ पर आप राइट करेंगे। सो मेरे यहाँ 5 हैं तो यहाँ पे मैं 5 राइट करूंगी, 5 पीपल लिव इन माई हाउस। आपके घर कितने रहते हैं, जितने भी होंगे उतने नंबर्स आपको राइट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी पोयम दी हुई है, जैक इन द बॉक्स सेट सो स्टिल, वुडंट यू कम आउट, यस आई विल, इसको आप
गा सकते हो, सिंग कर सकते हो. यू कैन सिंग दिस सॉन्ग. नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर, ज्वाइन द डॉटेड लाइन्स. अगेन यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, आपको उसे ज्वाइन करना है. दिस इज कर्व, ये देखो ऐसे आपको सबको लाइन बनानी है, सब पे ड्रॉ करनी है. और यहाँ पर राइट करने के लिए दिया है, जैसे कि बी बना हुआ है, स्मॉल लेटर सी है, ये ओ है. सो इस तरह से आपको जितने भी डॉट्स दिए हुए हैं उन्हें ज्वाइन करने हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी है, लुक इन अ मिरर. व्हाट डू यू सी? आप मिरर में देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? ड्रॉ योर फेस इन दिस सर्कल. आप इस सर्कल में अपने फेस को ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट्स दिए हुए हैं, सबको आपको ज्वाइन करना है. अच्छे से ज्वाइन करिएगा ऐसे, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं. उसके बाद रीड करना है ए बी सी, राइट करना है ए, सिर्फ ए दिया हुआ है ये आपको राइट करना है. ये सारी एक्टिविटी आप एक दिन में नहीं कंप्लीट करेंगे, स्लोली स्लोली वन एक्टिविटी वन डे, सेकेंड एक्टिविटी सेकेंड डे, ठीक है, ऐसे करना है. हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ अ कैट, अ काउ, अ डॉग एंड अ शेफ फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज पेपर एंड पेस्ट देम बिलो. सो जैसे कि अ कैट लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करना है, किसका? कैट का. देन नेक्स्ट है काउ, देन इसके आगे जो जो है उनको आपको पेस्ट करना है. इधर क्या दिया है? ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड कंप्लीट द मंकीज टेल. यहाँ पर मंकी जो बना हुआ है इसकी टेल को कंप्लीट करना है आपको डॉटेड लाइन पे, क्या करके? लाइन ड्रॉ करके. ओके, इसकी टेल को आप कंप्लीट कर दीजिएगा. सो हियर इज द लास्ट एक्टिविटी, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज. यहाँ पर जो एनिमल्स बने हुए हैं इन्होंने क्या किया है, अपने बेबीज को खो दिया है. ट्रेस अलोंग द मेज, यहाँ पर एक मेज है जिसको आपको फॉलो करना है. डिफरेंट कलर्स आप यूज करेंगे यहाँ पर, और जो भी एनिमल्स हैं उनको उनके बेबीज तक पहुँचाने हैं. बेबीज मीन्स होते हैं उनके बच्चे, तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके बच्चे तक आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके पहुँचाना है, ठीक है. सो यहाँ पर कैट को क्या किया है, डॉट 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 बनाकर पहुँचा दिया गया है उसके बेबी तक, ठीक है. ये देखो आप बेबी तक पहुँच गया कैट का किटन. अब यहाँ पर बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को उसके बेबी तक पहुँचाना है. फिर आपको डक को पहुँचाना है डक के बेबी तक. देन डॉग है, डॉग को उसके पपी तक पहुँचाना है. तो आप क्या करोगे, पेंसिल लेंगे और जहाँ जहाँ पर गैप है वहां से फॉलो करते हुए आप जाओगे ताकि आप उनके बेबीज तक उन्हें पहुंचा दो. सो ये था आपका पोएम जो कि क्लास फर्स्ट के इंग्लिश सब्जेक्ट का है. सो आई होप कि आपको ये सारी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई है समझ में तो यू कैन आस्क मी अगेन, आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं. सो ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को अच्छे से एक्टिविटीज़ कराएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं. और एक दिन में कराने की कोशिश ना करें प्लीज़, इसे स्लोली स्लोली मीन्स टू एक्टिविटी इन अ डे करा सकते हैं आप. वन डे में टू एक्टिविटी कराएं, नेक्स्ट डे टू एक्टिविटी. सो इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा. तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेसन. टिल देन थैंक यू सो मच.